गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसके बारे में आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल भाई लोग, आज हम डिफरेंट डिफरेंट हल्क के बीच फाइट करवाने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम दो जॉइंट हल्क की फाइट करवाएंगे। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये देखने की ट्राई करेंगे कि अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट हल्क के बीच फाइट हो जाती है तो उनमें से हमारे कौन कौन से हल्क सबसे पावरफुल निकलते हैं। ओके सो भाई लोग, देखो यार, अभी हम रेड हल्क के सीक्रेट बेस पर पहुंच चुके हैं और अभी हमारे सामने रेड हल्क का व्हीकल है। भाई साहब यार, देखना कितना जबरदस्त व्हीकल है। और भाई, अपने रेड हल्क के पास मॉन्स्टर ट्रक है क्या? भाई देखना यार, कितना जबरदस्त लग रहा है। और जैसे कि यार हमारे रेड हल्क का कलर है, वैसे यार इसका भी कलर है। और गाइस, आप जानते हो कि यार रेड हल्क मेरी तरह जाइंट है, इसीलिए यार ये जो मोस्ट ट्रक है वो भी इतना जाइंट है। और भाई लोग यार, देखना इसमें से क्या ही तो एनिमेशन आ रहा है। भाई मुझे लगता है कि यार जो रेड हल्क की पावर है ना, वो इसमें अभी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि यार वो इसमें से निकल निकल के भाग रही है। क्योंकि भाई लोग, जो भी सुपर हीरो का व्हीकल होता है, उसके व्हीकल में भाई लोग यार उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है। इसीलिए यार रेड हल्क का व्हीकल देखो कितना ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और भाई क्या ही तो लाइट निकल रही है। तो भाई लोग यार, मुझे ये नहीं पता है कि रेड हल्क कहां पर है, इसीलिए यार मैं उसका व्हीकल चुरा लेता हूं। और जैसे ही हम रेड हल्क का व्हीकल चुराएंगे, उसे तुरंत पता लग जाएगा कि यार किसी ने उसका व्हीकल चुराया है और वो यार इसे ट्रैक करते करते मेरे पास आ जाएगा। तो आ जाओ यार, जल्दी से इसके व्हीकल को चुराते हैं। भाई यार, देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। तो आ जाओ यार, देखते हैं कि कैसा लगता हूं मैं इसमें। ओ भाई देखना यार, मैं कितना जबरदस्त लग रहा हूँ यार इस व्हीकल में। और भाई इसमें तो यार चार चार टर्बो बूस्टर भी हैं, यानी कि भाई जहां तक मैं जानता हूँ ये उड़ भी सकता है। तो देखते हैं कि यार ये उड़ पाता है या फिर नहीं। ओ भाई देखना, ये तो उड़ रहा है। गाइस देखो यार, हम माउंटेन पर कैसे उड़ रहे हैं। भाई कितना जबरदस्त लग रहा है यार ये व्हीकल। अरे ये कैसा सायरन बज रहा है? मुझे लगता है कि यार रेड हल्क को अभी पता लग चुका है कि यार किसी ने उसका व्हीकल चुरा लिया है, इसलिए यार इसमें ये डेंजर सायरन बज रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है, अभी रेड हल्क मुझसे फाइट करने के लिए आता ही होगा। अरे ये क्या, मेरा व्हीकल किसने चुरा लिया? किस शख्स की मौत उसे खींच के लाई है जो उसने रेड हल्क का व्हीकल चुराया है? अभी देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। रुको, जिसने भी अभी मेरा व्हीकल चुराया है, अभी मैं उसकी बैंड बजाता हूँ। अरे गाइस देखो यार, मैंने बोला था ना कि रेड हल्क हमसे फाइट करने के लिए आता ही होगा। देखो भाई लोग, ये रहा रेड हल्क। और जल्दी से यार मैं एक बार व्हीकल से उतर जाता हूँ, कहीं भाई लोग ये मुझे व्हीकल के साथ ही ना फेंक दे। अरे भाई लोग देखना यार, रेड हल्क ने तो एकदम मेरे ऊपर वार कर दिया। रेड हल्क मुझे छोड़, अभी मैं तुझे बताता हूँ, एक बार तू मुझे छोड़ के देख। ये ले रेड हल्क, ये ले, अभी देख मैं तेरा कैसे बैंड बजाता हूँ। ये ले रेड हल्क, तू मेरी पावर को जानता नहीं है। अभी देखो यार मैं इसे कैसे उठा के फेंकता हूँ। ये ले मेरी एटॉमिक स्लैम। ओपी भाई देखना यार, हमने रेड हल्क का क्या हाल कर दिया। अभी यार रेड हल्क कहां पर है? भाई कहां पर गया? ओ मेरे पीछे है ये रेड हल्क। रेड हल्क सामने से आ। ओ भाई देखा मैंने इसका क्या हाल किया। भाई लोग देखो यार, अभी मैंने इसे अपने हाथ में उठा लिया है। इससे आप यार मेरी पावर का अंदाजा लगा ही सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि यार ये बेहोश हो चुका है, तो यार मैं इसे एक बार छोड़ के देखता हूँ क्या होता है। ओ भाई ये तो नाटक कर रहा था यार, ये काफी धोखेबाज है भाई रेड हल्क। लेकिन यार मैं अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। और गाइस यार मैं अभी इस पर ना अपनी थंडर क्लैप यूज करता हूँ। ये ले रेड हल्क। भाई देखना यार मेरी थंडर क्लैप कितनी ज्यादा पावरफुल है। ओ भाई इसकी पावर देखी यार, यार ये पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है रेड हल्क। और यार इसीलिए भाई ये मुझ पर भारी पड़ रहा है। भाई कभी कभी तो लगता है कि यार ये मुझ पर भारी पड़ रहा है, लेकिन यार फिर मैं इसे काफी मार देता हूँ। भाई देखना यार, रेड हल्क तो काफी ज्यादा पावरफुल है। ओ भाई रुक जा अभी मैं तुझे बताता हूँ रेड हल्क। ये ले एटॉमिक स्लैम रेड हल्क। ओ भाई गाइस अभी बारी यार थ्रो रॉक की। अरे भाई इसकी स्पीड तो यार पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। भाई कहां पर गया यार रेड हल्क? ओ सो देखो गाइस, हमने कितनी जबरदस्त फाइट के बाद रेड हल्क को भी हरा दिया है। भाई रेड हल्क को हराना यार कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि यार अभी मुझे लगता है कि यार ये यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। और भाई यार इसका व्हीकल भी काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन भाई मैं तो ग्रीन हल्क हूं ना, इसीलिए भाई लोग मैंने पहले की तरह इस बार भी इसे हरा दिया। लेकिन भाई लोग अभी जब हम लास्ट में जॉइंट हल्क के साथ फाइट करेंगे, तब यार मैं रेड हल्क बनने वाला हूँ। क्योंकि भाई लोग जो जॉइंट रेड हल्क है वो लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और मुझे लगता है
यार जाइंट रेड हल्क ग्रीन हल्क को मात दे सकता है, इसीलिए भाई लोग लास्ट में हम जाइंट रेड हल्क बनेंगे। लेकिन उससे पहले यार हम अपना एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे, जिसमें कि भाई लोग हम वाटर हल्क की फाइट एयर हल्क से करवाएंगे। और जो गाइज अपना वाटर हल्क है वो होने वाला है यार ब्लू हल्क, और गाइज जो अपना एयर हल्क है वो होने वाला है ग्रे हल्क। और भाई लोग आप जानते नहीं हो कि यार वो दोनों ही कितने ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए यार ये एक्सपेरिमेंट करने में भी हमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए आ जाओ यार अभी अपने सीधे चलते हैं वाटर हल्क के पास। ओके गाइज यार अभी हमें बीच के पास अपना ब्लू हल्क मिल चुका है। जैसा कि यार मुझे पहले ही लग रहा था कि यार बीच के पास हमें अपना ब्लू हल्क मिलेगा, क्योंकि यार ये वाटर हल्क है ना, इसीलिए मुझे अंदाजा था कि यार ये मुझे बीच के पास ही मिल सकता है अपने एयर हल्क को। और यार किसी भी हल्क को ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये है कि यार उसका कोई व्हीकल चुरा लो, तब यार वो हमारे पास आसानी से आ जाएगा। और यार आज का तो हमारा एक्सपेरिमेंट है ही कि यार हम अलग अलग हल्क की फाइट करा के उनमें से देखना चाहते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए भाई लोग अभी हम फाइट कराने जा रहे हैं अपने ब्लू हल्क और ग्रे हल्क की। लेकिन यार हमें एयर हल्क का व्हीकल कहां पर मिल सकता है गाइज? मुझे लगता है कि हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन यार आप हमारी हेल्प कर सकते हो। सो भाई लोग आपको बस इतना सा करना है कि यार जल्दी जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना है। जैसे यार आप ये टास्क कंप्लीट करोगे मुझे यार अपने एयर हल्क के व्हीकल की लोकेशन पता लग जाएगी। इसीलिए भाई लोग जैसे ही मैं 1 बोलूं आपको जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, तभी यार मुझे मैप में एयर हल्क के व्हीकल की लोकेशन पता लग जाएगी। सो गाइज 3, 2, 1 सो थैंक यू सो मच गाइज। यार मैं जान चुका हूँ कि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, इसीलिए यार मुझे मैप में उस व्हीकल की लोकेशन पता लग चुकी है। और भाई लोग देखो यार एयर हल्क का व्हीकल यहाँ पर है। भाई यार ये कैसा व्हीकल है यार, दिखने में तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। और भाई यार ये कैसा व्हीकल है यार? गाइज यार मैंने बहुत ज्यादा व्हीकल देखे हैं, लेकिन यार ऐसा व्हीकल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। यार ये एयर हल्क है ना, इसीलिए इसका व्हीकल काफी अजीब है। तो चलो यार आ जाओ एक बार इसे भी राइड करते हैं। ओ भाई गाइस देखना यार ये तो एयर बाइक है। अरे भाई लोग देखो यार इस व्हीकल की मदद से हम आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच चुके हैं। और भाई देखना यार इस व्हीकल की हेल्प से मैं अपने पूरे शहर को ऊपर से देख सकता हूं। और यार ये एयर हल्क का व्हीकल लिटरली यार सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने यार बहुत व्हीकल चलाए लेकिन यार ये सबसे अलग है। ओ ये क्या भाई, इसमें भी सायरन बज चुका है, यानी कि यार अपने एयर हल्क को भी अपनी लोकेशन पता लग चुकी है। और भाई लोग जैसा कि अभी हम चाहते थे वो हमसे फाइट करने के लिए आ रहा है। तो यार अभी तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अभी हम वाटर हल्क की फाइट एयर हल्क से करवाने वाले है। देखो यार अभी मैं बोल रहा था ना कि यार एयर हल्क भी अभी आता ही होगा। और भाई लोग देखो यार एयर हल्क अभी हमारे बिल्कुल ही सामने है, तो यार ये मुझसे फाइट करने के लिए आ रहा है, इसीलिए यार मैं इस व्हीकल को अभी यहाँ पर ही छोड़ देता हूँ। अरे भाई अपना ब्लू हल्क भी अभी अग्रेसिव हो चुका है, लेकिन अरे ये क्या भाई, एयर हल्क तो देखना कितना ज्यादा गुस्से में है। भाई हमने इसका व्हीकल क्या चुरा लिया, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। ये ले एयर हल्क, ये ले। भाई ग्रे हल्क तो दिखने में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। भाई देखना यार, अरे इसने तो एटॉमिक स्लैम से देखो हमारा क्या हाल कर दिया। भाई देखना इसने थ्रो रॉक से मारा यार मुझे अभी। भाई मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। ये ले एयर हल्क। अरे भाई यार मुझे लगता है कि यार ये कहीं से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होके आया है, और यार वो अभी सारा गुस्सा मुझ पे निकाल रहा है। तो यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक बार यार साइड में चला जाता हूँ और यार अपनी पावर को एक बार कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यार उसे मारते हैं। भाई देखना कितने गुस्से में आ रहा है। ये ले एयर हल्क, ये ले मेरी लातों घुसों की बारिश, अभी देख तेरा क्या हल करता हूँ मैं। ये ले भाई यार एयर हल्क तो अपने नाम के ही जैसा है। भाई यार अभी मैं इसे मार रहा था ना तो यार बिल्कुल हवा की रफ्तार से वो भाग गया, अभी यार मुझे उसे फिर से ढूंढना होगा। ओके देखो यार एयर हल्क अभी यहाँ पर आ चुका है। अरे भाई ये तो पावर कलेक्ट करके आया यार मेरी तरह, जैसे मैं अभी पावर कलेक्ट करके आया था। लेकिन ये ले, ओ भाई यार ये फिर से भाग गया यार, ये पीछे से वार कर रहा है। भाई देखना यार इस हिसाब से तो यार ये चीटिंग कर रहा है। भाई मुझे लग रहा है कि यार एयर हल्क मुझ पे यहाँ पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि यार ये एयर हल्क है ना, इसलिए यार इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा है। लेकिन यार अभी मैं एटॉमिक स्लैम मारने वाला हूँ। ये ले एटॉमिक स्लैम से तू नहीं बच सकता एयर हल्क, तू कुछ भी कर ले यार तू मुझे नहीं हरा पाएगा। अरे भाई देखना यार ये मेरा क्या हाल कर रहा है। भाई छोड़ दे यार मुझे, छोड़ दे। गाइज मैं वाटर हल्क हूँ, तो यार मैं एक काम करता हूँ कि यार मैं वाटर में चला जाता हूँ, और यार ये मुझे वाटर में नहीं मार पाएगा। कहाँ पर है अभी एयर हल्क? और ये गाइज अभी ये वाटर में आ चुका है, तो यार अभी से मैं बहुत ही ज्यादा मारने वाला हूँ। भाई ये मुझे बाहर बहुत ही ज्यादा मार रहा था ना, लेकिन अभी देखो
ये ले मेरी रेज बूस्ट एयर हल्क। ओ भाई आजा आजा, अभी तू यहाँ पर आ। ये ले अभी देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये ले एयर हल्क, ये ले एयर हल्क। तू बाहर ही मुझे मार सकता है लेकिन तेरा यहाँ पर मुझ पे कोई भी बस नहीं चलने वाला है। ये ले अभी देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ओके सो भाई लोग देखो यार, एयर हल्क का हमने वाटर में क्या हाल कर दिया है। भाई लोग यार अभी जो ये हमारा मैच था मैं इसे टाई मानता हूँ, क्योंकि भाई लोग एयर हल्क बाहर मुझ पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। भले ही यार हमने इसे वाटर में मार दिया है, लेकिन यार अगर एयर हल्क और ब्लू हल्क की फाइट होती है तो गाइज यार इसमें अपना एयर हल्क ही जीतने वाला है, बशर्ते कि यार अपना ब्लू हल्क पानी में ना आ जाए। क्योंकि यार अगर एक बार भी अपना ब्लू हल्क पानी में आ गया तो यार वो एयर हल्क की तो बैंड ही बजा देगा, जैसे कि आपने देखा। सो गाइज यार पहले राउंड में तो हमारा ग्रीन हल्क जीता था और दूसरे राउंड को यार मैं टाई मानता हूँ। भले ही यार यहाँ पर अपना ब्लू हल्क जीता है लेकिन यार बाहर आप देख सकते थे कि यार एयर हल्क मुझे कितना ज्यादा मार रहा था। तो गाइज यार हमने अपने दोनों राउंड का रिजल्ट आपको बता दिया है, लेकिन यार अभी जो हमारी थर्ड फाइट होगी वो यार एक लीजेंडरी फाइट होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हम जाइंट रेड हल्क की फाइट जाइंट थ्री हेडेड हल्क से करवाने वाले हैं, जिसमें कि यार कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका पता मुझे भी नहीं है। लेकिन भाई लोग इस बार मैं ना यार रेड हल्क को चूज करने वाला हूँ, क्योंकि भाई लोग मुझे लगता है कि जाइंट रेड हल्क इस बार भारी पड़ने वाला है। तो चलो यार अभी सीधे चलते हैं वहीं पर। ओके सो भाई लोग देखो यार अभी हमारे सामने दो जाइंट गोल्ड हल्क है और इसमें से गाइज यार मैं रेड वाला हूँ। और भाई लोग यार मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये दोनों ही हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो यार मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों की फाइट में कौन से वाला जीतने वाला है। तो ग्रीन हल्क अगर तुझ में दम है तो आजा मुझसे लड़ने। रेड हल्क मुझसे फाइट करना तुम्हारी जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल होगी। ओ भाई गाइज देखना यार ये तो काफी गुस्से में आ रहा है मेरे पास। अरे ग्रीन हल्क तो यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, देखना यार कैसे मार रहे है। लेकिन ले 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 ग्रीन हल्क अभी देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। भाई यार ये दोनों गोल्ड हल्क है, भाई क्या ही एपिक फाइट हो रही है यार यहाँ पर अभी। ओ भाई ग्रीन हल्क तो यार मुझे बहुत ही ज्यादा मार रहे है। ये ले ग्रीन हल्क, भाई देखो यार मैंने कैसे उसे उठा के मारा। आजा आजा अभी देख तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे यार ये ग्रीन हल्क मुझे बार बार उठा के क्यों फेंक रहा है। गाइस देखो यार मैंने कैसे इसे उठा के मारा। भाई यार अभी मैं भी यार यही इस्तेमाल करूंगा। ये ले ग्रीन हल्क, ये ले भाई यार ये गोल्ड हल्क है यार दोनों, और यार क्या ही तो फाइट हो रही है इनकी। गाइस यार अभी टाइम हो चुका है हाई पंच का। ओ भाई भाई देखना यार क्या ही तो पंच मार रहा है अपना रेड हल्क। ओ भाई इसने यार फिर से उठा लिया मुझे, क्या है यार। लेकिन यार हम इसे देखना क्या ही किक मारेंगे। ये ले ग्रीन हल्क, ओ भाई देखना यार हम इसे क्या ही तो मार रहे हैं। अरे गाइस देखना यार दोनों ही हल्क कितने ही ज्यादा पावरफुल हैं। भाई लेकिन मुझे लग रहा है कि यार मैं ग्रीन हल्क को ज्यादा मार रहा हूँ। भाई यार ग्रीन हल्क भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यार जहाँ तक मुझे लग रहा है ना रेड हल्क यार भारी पड़ रहा है यार ग्रीन हल्क पर। देखना भाई लोग यार यार ये ग्रीन हल्क मुझे बार बार उठाकर यार खाने की ट्राई क्यों कर रहा है। ओके सो गाइज यार आज के हमारे ये तीनों एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे, लेकिन भाई लोग यार जो ये हमारी लास्ट वाली फाइट थी यहाँ पर जो हमारा जाइंट रेड हल्क है वो यार ग्रीन हल्क पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि यार ग्रीन हल्क सिर्फ एक दो ही मूव दिखा रहा है, वरना यार रेड हल्क ही ग्रीन हल्क पर भारी पड़ रहा है। गाइज यार आपको क्या लगता है जो हमारी ये लास्ट वाली फाइट थी इसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा था, जल्दी जल्दी यार मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। और यार ये तीनों एक्सपेरिमेंट हमारे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे, हमारे इन तीनों एक्सपेरिमेंट में से कौन कौन सा हल्क आपको सबसे ज्यादा पसंद आया जल्दी जल्दी यार मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाऊं, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को आगे भी करूं और डिफरेंट डिफरेंट हल्क की फाइट कराऊं, तो यार मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। अगर भाई लोग आप मुझे नहीं बताओगे कि आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो यार इसका मैं पार्ट टू नहीं लाने वाला हूं, इसीलिए जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि आपको इसका पार्ट टू चाहिए या फिर नहीं। और यार अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग यार जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि अगर हम आगे ऐसे एक्सपेरिमेंट डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो हे गाइस इट्स मी इशू एंड आज हम एक बार फिर से खेल रहे हैं
GTA 5 जिसमें हमारे साथ है रेड हल्क। लेकिन गाइस ये रेड हल्क हमें अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहा है? वेट ए मिनट, मैं इसको एक बार पूछ लेता हूँ। ओए रेड हल्क, तू हमें अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहा है? मैं अपना मुंह जब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक सब मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देंगे। बोल दो इन्हें कि मेरी वीडियो को लाइक जल्दी से कर दें। सो ऑलराइट गाइस, मुझे लगता है कि आपने वीडियो को अभी लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो यार गाइस जल्दी से कर दो, क्योंकि आज हम रेड हल्क के साथ खेलने वाले हैं और रेड हल्क की हम काफी तगड़ी तगड़ी पावर्स को चेक करेंगे और अपने इस लॉस सैंटोस में तबाही मचाने के साथ साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा रेड हल्क कैसा दिखता है। गाइस ये देखो यार, हमारा रेड हल्क यार कितना खराब लग रहा है, मतलब खराब बोल रहा हूँ मतलब मस्त ही लग रहा है एक तरह से। और ये देखो यार, इसकी वेंस किस तरह से दिख रही है और मसल्स तो यार कितनी ज्यादा बड़ी है। गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक ये बताओ कि आपको ग्रीन हल्क ज्यादा अच्छा लगता है या फिर रेड हल्क। वैसे तो यार मुझे अगर देखा जाए तो दिखने में यार ये रेड वाला हल्क काफी तगड़ा लग रहा है। और रुको मैं आपको इसकी जंप दिखाता हूँ कि भाई साहब देखो कितनी ऊंची, तो यार हमारा रेड हल्क जंप मार सकता है। मतलब यार रेड हल्क में मुझे लगता है कि गुस्सा इसमें बहुत ज्यादा है। और हम यहाँ पर यार कोई लोग नहीं दिख रहे, चलो लोग तो दिख गए, चलो इसको उठाकर देखते हैं कि हम इसे उठा सकते हैं। मैंने इस बंदे को कितनी इजीली उठा लिया है और मैं इसको वहां पर फेंक कर देखता हूँ कि हम इसे कितनी दूर फेंक भी सकते हैं। बेचारा चिल्ला रहा है यार, इसको अजीब नहीं लग रहा होगा कि एक इतना बड़ा मॉन्स्टर इसे उठाकर इस तरह भाग रहा है? मतलब आप एक बार इमेजिन करो कि आपको इस तरह रेड हल्क उठाकर भागे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। अभी इसके हाथ में ये मर तो नहीं गया, मुझे लग रहा है कि ये मर गया है। रुको मैं इसको यहाँ पर एक बार छोड़ देता हूँ और फिर इसको देखते हैं कि ये मर गया या जिंदा है। रेड हल्क इतने यार आराम से फेंकना चाहिए, इतने तेज भी नहीं फेंकना चाहिए। अभी भाई जिंदा है वो, चलो उसे एक बार फिर से पकड़ लेते और उसे स्विमिंग करवाते हैं, मतलब कि समुद्र की तरफ ले जाते हैं और वहां पर उसे फेंक कर देखते हैं कि हम इसे कितनी दूर तक फेंक सकते हैं। भाई साहब देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है हमारा रेड हल्क। रुको मैं इसको है ना वहां पर एक बार फेंक कर देखता हूँ। ये ले भाई तू जा, कितनी दूर गया है वो, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं गया लेकिन फिर भी यार काफी ज्यादा दूर गया है। चलो यहाँ पर और भी ज्यादा लोग होंगे, हम इनके ऊपर भी अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई करते हैं। तो मैंने अभी इस बंदे को उठा लिया है और अभी मैं इसे किसी और के ऊपर फेंक कर देखता हूँ कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। चलो ये वाला भाग रहा है, इसके ऊपर फेंक कर देखते हैं। ये ले भाई, अबे भाई दोनों के दोनों मर गए क्या? एक के तो भाई पैसे गिर गया, मतलब मेरे को लग रहा है कि दोनों के दोनों मर गए हैं। गाइस हमने यहाँ पर दो बंदों को बिना बात के मार दिया है। यार रेड हल्क सच में यार काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे लग रहा है कि रेड हल्क है ना ग्रीन हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है। एक बार इसकी सबसे हाईएस्ट जंप देखते हैं कि हम कितनी ऊंची जंप लगा सकते हैं। ये देखो भाई पूरे शहर का नजारा दिखने लगता है हमें। रेड हल्क कितनी ऊंची जंप लगा सकता है, क्या ग्रीन हल्क भी इतनी ऊंची जंप लगा सकता है? तो चलो हम अगली वीडियो में ग्रीन हल्क के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लो। और अभी हम शहर में आ चुके हैं, यहाँ पर हम किसी गाड़ी को उठाकर देखते कि हम किसी गाड़ी को भी उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। चलो यहाँ पर दो गाड़ियां मुझे दिखी हैं, इसको एक मैं पंच मार के देखता हूँ कि मैं अपनी पावर टेस्ट करना चाहता हूँ कि रेड हल्क का पंच कितना ज्यादा पावरफुल है। एक पंच, ये ले भाई पूरे गेट वगैरह देख रहे हो क्या हालत कर दी इस गाड़ी की। अबे भाई टच होने से भी कितनी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई ये वाली गाड़ी, ये देखो। चलो इसको एक बार उठाकर देखते हैं, भाई हमने उठा भी लिया और इस गाड़ी को एक बार फेंक कर भी देखते हैं। ये ले एक बार उसे पंच में, ओ भाई ये वाला पंच यार काफी ज्यादा खतरनाक था, कितने ज्यादा लोगों को तो यहाँ पे हमने मार दिया है। सो गाइस मैंने अभी कुछ सोचा है और हमारे पीछे यार 5 स्टार की वांटेड पुलिस भी लग चुकी है। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा हल्क यार कितनी तेज भाग सकता है। और भाई साहब आप देखो इसके सामने जो भी आता है ना वो उड़ जाता है, देख रहे हो कैसे गाड़ियां उड़ रही हैं। गाइस मैं यहाँ पर है ना एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट पर चलते हैं और फिर वहां पर अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई करेंगे। और हम एयरपोर्ट पर आ भी चुके हैं भाई, देख रहे हो लैंडिंग करता है ना तब तो ये पूरी धरती को ही हिला देता है। देखो पूरा रोड इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारे वहां पर कितने बड़े बड़े प्लेन्स खड़े हुए हैं। चलो इसको पंच मार के देखते हैं क्या होता है। यार इसे कुछ नहीं हुआ, चलो इसको एक बार पंच मार के देखते हैं। यार ये डमी तो नहीं है इसीलिए तो मैं इसको पंच नहीं मार पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि डमी है ये। नहीं गाइस ये वाला प्लेन है ना एक डमी प्लेन है, मतलब एक पत्थर से बना हुआ प्लेन है, ओरिजिनल प्लेन नहीं है इसलिए हम इसे उठा नहीं सकते। मुझे कोई ओरिजिनल प्लेन ढूंढना होगा यहाँ पर। हाँ मुझे वो लग रहा है रनवे की तरफ वो खड़ा है कि शायद वो हो सकता है एक ओरिजिनल प्लेन। हाँ गाइस ये है एक ओरिजिनल प्लेन, चलो इसको एक मुक्का मारते हैं। भाई देख रहे हो ये देखो यार प्लेन का क्या हाल हुआ है, इसका एक विंग यहाँ पर पड़ा है, कितना भारी विंग है यार। पुलिस भी हमारे पीछे लगी हुई है, उसके ये नहीं दिख रहा कि हमने प्लेन का क्या कर दिया। भाई ये पड़ा हुआ प्लेन ये देखो, अरे नहीं ये तो दूसरा जेट प्लेन है, मतलब हमारे एक हमले से दो दो प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए हैं। यहाँ पर एक ये भी है। तो गाइस यहाँ पर एक ट्रक खड़ा था, मैंने उसे उठा लिया है और इसे मैं पुलिस वालों के चोपर पर फेंक कर मारता हूँ, देखते कि इसे लगता है या नहीं लगता। ये ले अबे भाई देख रहे हो, अगर रेड हल्क यार डिस्ट्रक्शन करने पे आ जाए ना तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता। चलो गाइस यहाँ पर एक और एरोप्लेन आ रहा है, ये ले। अबे यार इसे कुछ हुआ ही नहीं,
चलो एक पंच और मार कर देखते हैं, जैसे उठा कर देखूं, चलो उठा लेते हैं। भाई यार ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारा हल्क एक प्लेन को उठा लेगा, लेकिन इसने बहुत इजीली उठा लिया। और यार इतनी बड़ी जंप भी लगा सकता है। चलो यहीं से एक बार इसे फेंक देते हैं। ये ले, क्या हुआ इसे, कुछ हुआ डिस्ट्रॉय? ओ भाई देख रहे हो कितना बड़ा प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया। सच में भाई आयरन मैन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, और वहां पर चोपर वगैरह उड़ रहे हैं, लेकिन गाइस यहां पर मजा नहीं आ रहा है हमें रेड हल्क के साथ। चलो मिलिट्री बेस में चलते हैं और वहां पर मिलिट्री वालों से लड़ने में ज्यादा मजे आएंगे। चलो मैं एक बार है ना मिलिट्री बेस में पहुंच जाता हूं। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम आर्मी हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल पास में है। वो देखो हमारे सामने बिल्कुल आर्मी हेडक्वार्टर्स है, और यहां पर अभी भी हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। एक चोपर इसको भी पकड़ लेता हूं, यार कुछ नहीं जाता, इसको पकड़ कर है ना पहले आर्मी हेडक्वार्टर्स में मार के देखते कि उन्हें कुछ फर्क पड़ता है इससे या नहीं पड़ता। भाई देख रहे हो कमांडो कैसे उतर रहे हैं, चलो इन्हीं पर फेंक कर मार। अबे उड़ गया ये तो। चलो कोई बात नहीं, ये पड़ा। हम आर्मी हेडक्वार्टर्स में आ चुके हैं और आर्मी वाले भी अभी एक्टिव हो जाएंगे और वो हम पर हमला करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उनके सारे प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ पर ये ला भाई कार्गो प्लेन, एक पंचोर। भाई कितना तकड़े वाला डिस्ट्रॉय हुआ है, देखा वो कार्गो प्लेन। सो गाइस अभी हमने आर्मी हेडक्वार्टर्स का ये एक जेट प्लेन उड़ रहा था, तो मैंने इसे उड़ते हुए उठा लिया है। मतलब देखो पायलट भी इसके अंदर ही है। चलो इसे फेंक कर देखते हैं कि क्या होता है। ये ले, अभी भाई देख रहे हो कैसे उड़ गया वो तो। रुको उसे एक बार फिर से पकड़ लेते हैं कि देखते हैं कि हमारा हल्क उसे पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा। अबे भाई ये क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि उसका जेट इंजन है ना हल्के मुंह पर लगा है, इसलिए हल्क गिर गया, वरना इसने उसे पकड़ ही लिया था। गाइज आपको क्या लगता है कि हमारे हल्क ने उसे पकड़ लिया था या नहीं पकड़ा था? यार मैं आर्मी में ऐसे घूम रहा हूँ और यहाँ के लोग मुझे कुछ कह ही नहीं रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पर कितने बड़े बड़े जेट हैं। रुको इसे भी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ये ले गाइज, हमें यहाँ पर मारने के लिए आर्मी वालों ने अपने टैंक्स को बुला लिया है। ये देखो एक टैंक केरा, एक बोरा, पीछे एक गाड़ी आ रही है, लेकिन ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये देखना अभी एक पंच में तो इनके टैंक को मैं ऐसे बर्बाद कर देता हूँ जैसे तो यार किसी छोटी सी साइकिल को फेंक दिया हो। अभी देखना मेरा सुपर स्लैम इस कार्गो प्लेन का क्या हाल करता है, अभी देखना इसके साथ क्या होगा। ये ले देख रहे हो कितना बड़ा ऊपर, ओ भाई डिस्ट्रॉय हो गया वो तो। चलो इनके सारे इनको है ना हम डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं। ये ले एक और पंच, ये भी डिस्ट्रॉय, एक वहां पर खड़ा है इसे भी डिस्ट्रॉय कर ही देता हूँ। ये रहा, अभी इसे कुछ हुआ नहीं, मैंने लगता है कि छोटे वाला स्लैम मारा था, एक बड़े वाला अटैक। ये ले ये देख रहे हो भाई पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, और वहां पर आर्मी वालों की गाड़ियां भी आ रही हैं, इसे भी उठा लेता हूँ। और यहाँ पर आर्मी पर्सनल भाई कूद गए, इसके नीचे कूद गए। रुको तो मुझे गोलियां मार, ओबे भाई दो आर्मी वालों को कैसे मार दिया कितने दर्दनाक तरीके से। सो गाइज अभी हमने अपने रेड हल्क की पावर्स को आर्मी हेडक्वार्टर्स में भी चेक कर लिया है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे GTA 5 की ट्रेन्स को है ना कोई नहीं रोक सकता, तो इसलिए अभी हम है ना रेलवे ट्रैक्स पर जा रहे हैं ताकि हम चेक कर सके कि हमारा रेड हल्क GTA की ट्रेन्स को बर्बाद कर सकता है या ये भी उसमें फेल हो जाता है। चलो पहले है ना जल्दी से एक बार रेलवे ट्रैक्स ढूंढ लेते हैं कि रेलवे ट्रैक्स कहाँ पर है, और फिर वहाँ पर अपने इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे कि वहाँ पर कुछ होता है या नहीं होता। गाइज यार ये देखो मैंने है ना काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगा लिया, मतलब पूरे शहर के ही चक्कर लगा लिए, और यार मुझे ट्रेन अभी तक मिली नहीं है। तो गाइज मुझे लगता है कि आज हमारी किस्मत में ट्रेन है ही नहीं, तो हमें अपना ट्रेन वाला एक्सपेरिमेंट अगली वीडियो में करना पड़ेगा। तो गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेन, तो गाइज ये देखो हमारे सामने यार ट्रेन आ चुकी है। यार मैं अभी बोल रहा था कि अभी हमें मिले नहीं, और काफी मेहनत के बाद चलो हमें ट्रेन मिल गई है। चलो यहाँ पर ही देखते हैं कि हम अपनी ट्रेन को कितने ज्यादा तगड़े वाला हार्म कर सकते हैं, और वो ट्रेन आ रही है। मैं पहले सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर ना एक बार अपना सिंपल सा एटॉमिक स्लैम मारूं। भाई जब कुछ नहीं हुआ, ये लो भाई ट्रेन को देख रहे हो पटड़ियों से उतार दिया रेड हल्क ने, तो यार पूरी ट्रेन को ही पटड़ियों से उतार दिया। वो देखो सारे डिब्बे कैसे बिखर गए भाई। यार सच में अब मानना पड़ेगा भाई रेड हल्क में काफी ज्यादा पावर्स है, और इसका इंजन तो यार काफी ज्यादा हैवी होता है। चलो इसे भी एक बार ड्रिफ्ट करके देखते। ओ भाई इसको भी लिफ्ट कर लिया हमने, मतलब यार अब तो फिर तो यार रेड हल्क सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। चलो वहां पर पूरे रोड पर चलते हैं और वहां पर रोड पर फेंक कर देखते हैं कि हम इंजन को भी कितनी दूर तक फेंक सकते हैं। रुको यहां पर चलते हैं रोड पर, मेन रोड पर जाकर फेंकेंगे कि हम अपने इंजन को कितनी दूर तक फेंक सकते हैं, क्योंकि यहां पर पेड़ों के अंदर फेंकेंगे तो यहां पर तो दिखेगा भी नहीं और ज्यादा दूर तक इंजन जाएगा भी नहीं। चलो यहां पर है ना समुद्र के अंदर ही फेंक देते हैं, चलो देखते हैं कितनी दूर तक फेंकता है। ये ले अभी भाई देख रहे हो कैसे फेंक दिया, और कितना जल्दी वो वाला इंजन समुद्र के अंदर डूब भी गया। तो गाइज अभी मुझे लगा नहीं था कि हम ट्रेन वाला एक्सपेरिमेंट आज के वीडियो में कर लेंगे, लेकिन वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी खतरनाक वीडियो में।
सो हे यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ऑसम गेम प्ले। सो गाइस, जैसा कि आपने अपने पिछले गेम प्ले में देखा, लिटिल सिंघम ने रेड हल्क को कितनी बुरी तरीके से मारा था, लेकिन गाइस आज फिर से, यानी कि इतने टाइम बाद रेड हल्क फिर से अपने लॉस सैंटोस में आ चुका है। लेकिन गाइस क्या बात है यार, रेड हल्क जानता है कि वो लिटिल सिंघम को हरा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो अभी उससे पंगा लेने आ गया है, यानी कि यार काफी कुछ बड़ा होने वाला है और रेड हल्क कुछ छुपा रहा है यार हमसे। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप जानना चाहते हो कि रेड हल्क किसके दम पर इतनी तबाही कर रहा है। सो चलो गाइस एक बार सीधा रेड हल्क की तरफ ही चलते हैं। पिछली बार लिटिल सिंघम ने मुझे कुत्तों की तरह मारा था, लेकिन आज वो जानता नहीं है कि मेरे साथ मेरा दोस्त भी आने वाला है। और गाइस अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा दोस्त कौन है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन मुझे तब तक लिटिल सिंघम तक ये खबर पहुंचानी होगी कि मैं फिर से इस शहर में आ चुका हूँ। तो मैं इस खबर को लिटिल सिंघम तक कैसे पहुंचाऊं? इसका सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि मैं लॉस सैंटोस में तबाही मचा देता हूं, लोगों को मारता हूं, यहाँ की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता हूं, तभी लिटिल सिंघम को पता लगेगा कि रेड हल्क फिर से आ चुका है। और देखो गाइज मैंने यहाँ पर कितने ज्यादा लोगों को मार दिया है, अभी लोगों को रेड हल्क के खौफ का पता लगेगा। और अगर आप सभी ने देखा नहीं हो तो देखो मेरी बॉडी कितनी ज्यादा मस्त हो चुकी है, मैंने इतने टाइम में अपनी पावर को और भी बढ़ा लिया है, और अभी लिटिल सिंघम से मुझे पंगा लेने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एक बार मेरी बॉडी देखो और कमेंट में बताओ कि रेड हल्क की बॉडी आपको कैसी लगी। तो गाइज चलो एक बार मैं इस शहर के अंदर तो आ ही चुका हूँ और यहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट करते हैं, ताकि लिटिल सिंघम तक हमारी खबर जल्दी से जल्दी पहुंचे और वो मुझसे पंगा लेने के लिए जल्दी आए। तो दोस्तों देखो यार मेरी जंप कितनी मस्त है, और देखो मैंने इस कार को कितनी बुरी तरीके से उठा लिया। अरे 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 ये तो लगता है कोई स्टंट मैन है, लेकिन फिर से मैंने इस कार को उठा लिया और मैं इसे इस ट्रक में देके मारूंगा। अरे गाइस देखा आप सभी ने इस आदमी का क्या हाल हो गया, लेकिन तुम सभी मुझसे कैसे बचोगे? देखो मैंने इस गाड़ी का क्या हाल कर दिया और अभी इस ट्रक का भी बहुत बुरे वाला हाल होने वाला है। तो लिटिल सिंघम कहाँ है तू? अगर तुझ में दम है तो जल्दी आ जा, रेड हल्क तेरा वेट कर रहा है। और अगर गाइज आपको मेरी ये जंप अच्छी लगी तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और देखो मैंने अभी पूरे लॉस सैंटोस में भूकंप ला दिया, क्या आपका लिटिल सिंघम ये कर सकता है? देखो मैंने उस कार को कितनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, लगता है मेरी पावर अभी कुछ ज्यादा ही हो रही है और लिटिल सिंघम से अभी पंगा लेने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और वो आपको इस वीडियो के एंड में पता लगेगा, और इतनी गंदी फाइट होने वाली है कि आप सभी मेरी पावर देख कर तो समझ ही पा रहे होगे। तो लिटिल सिंघम कहाँ है तू? जल्दी आ जा, देख मैंने तेरे लॉस सैंटोस में यानी कि तेरे शहर में घुस कितनी बुरी तबाही मचा दी है। तो दोस्तों देखा आपने मैंने लॉस सैंटोस में कितनी गंदी तबाही मचाई हुई है, लेकिन लिटिल सिंघम अभी तक नहीं आ रहा है। अभी मुझे इन पुलिस वालों पर हमला करना पड़ेगा ताकि लिटिल सिंघम तक मेरी खबर जल्दी पहुंचे और वो मुझसे लड़ने के लिए जल्दी आए। तो आजा पुलिस वाले मैं तुझे उठाता हूं और तुझे इस कार में फेंक के मारता हूं। अरे गाइस देखा आपने, ओ भाई मेरे अंदर कितनी पावर है, मैंने उस कार का क्या हाल कर दिया। लिटिल सिंघम कहाँ है तू? जल्दी आ, अगर तुझ में दम है तो जल्दी आ। देखो यार मेरे एक बार से कार कैसे उड़ रही है, और चलो मैं इस कार को उठा के फेंकता हूँ। अरे गाइस देखा आपने क्या हुआ, ओ भाई पुलिस वाले की कार का क्या हाल हो गया। तो गाइस अभी मुझे लगता है कि लिटिल सिंघम मुझसे फाइट लेने के लिए आता ही होगा। तो कहाँ है लिटिल सिंघम? थोड़े ही देर में देख मैंने तेरे शहर का क्या हाल कर दिया है। अरे गाइस देखना मेरा घर यानी कि लिटिल सिंघम का घर कितना मस्त है, और आज का दिन देखो यार कितना ज़्यादा सुकून भरा दिन है, और यार आज तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ओसम हो रखा है। तो गाइस आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी कमेंट में यार जरूर से भी ज़रूर बताना। तो चलो यार एक बार शहर के पेट्रोलिंग पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है ना। अरे गाइस लिटिल सिंघम भैया कहाँ पर है? उन्हें पता नहीं है क्या रेड हल्क ने पूरे शहर में कितनी ज्यादा तबाही मचा रखी है? अरे लिटिल सिंघम भैया आप कहाँ पर हो? जल्दी से आ जाओ ना, पूरे शहर में देखो रेड हल्क ने क्या ही तबाही मचाई हुई है। सो गाइस मैं ना एक बार लिटिल सिंघम भैया के घर में जाता हूँ और देखता हूँ कि अगर वो वहाँ पर पाते हैं तो मैं उन्हें वहाँ पर बताता हूँ कि रेड हल्क ने अपने शहर में कितनी ज्यादा तबाही मचाई हुई है। और मुझे लगता है कि लिटिल सिंघम भैया रेड हल्क को पिछली बार की तरह बहुत ही गंदा मारने वाले हैं। अरे
लिटिल सिंह भैया, अच्छा है आप मुझे यहीं पर मिल गए। आपको पता नहीं है कि शहर में क्या हो रहा है। नहीं शिनचैन, और तू इतनी हड़बड़ी में भागा हुआ मेरे पास क्यों आ रहा है? शहर में ऐसा क्या हो गया? अरे लिटिल सिंघम भैया, आप सच में नहीं जानते कि क्या हो रहा है शहर में? नहीं यार मैं नहीं जानता क्या हो रहा है शहर में, तू ही बता दे। अरे रेड हल्क फिर से आ गया। क्या बात कर रहा है तू? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, रेड हल्क फिर से आ गया। देख शिनचैन, अभी मेरा मूड ना बहुत अच्छा है और तू रेड हल्क का नाम लेके ना मेरे मूड की ऐसी तैसी मत कर। अरे नहीं लिटिल सिंघम भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और वो ना अभी मुझे पिछली बार से ज्यादा ताकतवर लग रहा था, और एक बार तो मैं उसकी पौड़ी टेक के उसका फैन हो गया, और मुझे लगता है कि अभी वो आपको बहुत ही गंदी टक्कर देने वाला है। अरे शिनचैन तू क्या बोल रहा है, तू मेरी पावर को जानता नहीं है क्या? पिछली बार कितना गंदा मारा था। अरे पिछली बार वाली बात नहीं है, अभी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका, उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी बन चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। तो ठीक है शिनचैन, अभी तूने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, और अभी मैं उससे इतनी गंदी फाइट करूंगा कि वो अपने शहर में कभी आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अरे लिटिल सिंघम भैया, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? चल ठीक है शिनचैन, बाय बाय। सो गाइस, जैसे कि शिनचैन ने मुझे बताया कि रेड हल्क काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है, तो यार अपना शहर तो बहुत बड़ा है, लेकिन गाइस आप तो मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ, यानी कि मैं हूँ लिटिल सिंघम, और शहर में जहाँ भी कुछ होता है सबसे पहले वो खबर मेरे पास आती है। अरे गाइस वो देखो, वो रहा अपना रेड हल्क, तो चलो यार एक बार उससे नेगोशिएट करके देखते हैं, अगर वो बातचीत में ही मान जाता है तो यार मैं भी ज्यादा खून खराबा नहीं चाहता हूँ, तो चलो यार एक बार मैं उससे बात करके देखता हूँ। तो रेड हल्क तू फिर से क्यों आ गया अपने शहर में? तेरा मुझसे पिछली बार पिटकर मन नहीं भरा है क्या? लिटिल सिंघम तू एक बार मेरी बॉडी देख, और तुझे क्या लगता है तू इस बार मुझसे जीत पाएगा? अरे रेड हल्क तू बॉडी की बात तो मत ही कर, इस बार भी मैं तुझे बहुत ही गंदा मारने वाला हूँ, लेकिन तू मुझे एक बात बता, तू फिर से मेरे शहर में क्यों आ गया? मैं इस बार तेरे शहर में आया हूँ तो तुझे बहुत ही ज्यादा मारने वाला हूँ। तू मुझे मारेगा रेड हल्क? मैं नहीं मारूंगा तुझे, तुझे मेरा फ्रेंड मारेगा। तो तेरा फ्रेंड कौन है? एक बार लिटिल सिंघम पीछे मुड़ के देख। अरे गाइस वो क्या है यार? ओ भाई ये तो मेगलाडोन है। हाँ हाँ ये मेगलाडोन है, और जब तेरी मुझसे पिछली बार फाइट हुई थी तो मैंने मेगलाडोन से हाथ मिला लिया था। तो चल रेड हल्क, आज मैं तेरे इस दोस्त को भी बहुत ही गंदी तरीके से मारूंगा और तुझे भी मारूंगा। लिटिल सिंघम तू मुझे तब मार पाएगा ना जब तू मुझे पकड़ पाएगा। जब तक तू मेरे फ्रेंड से पंगा लेगा मैं इस शहर में तबाही मचाऊंगा, तो अगर तुझ में दम है तो मेरे फ्रेंड से भिड़ के देख। तो चल लिटिल सिंघम मैं चलता हूँ अभी यहाँ से। अरे रेड हल्क कहाँ पर गया? लगता है कि वो भाग गया मेरे डर से। लेकिन गाइज अभी यहाँ पर मुझे मेगलाडोन से फाइट लेनी होगी। तो गाइज देखना यार, मेगलाडोन काफी ज्यादा मुझे ताकतवर लग रही है, लेकिन ये ले तू मेरी लात खा, तू मेरी लात से नहीं बच सकती है। अरे गाइज देखो मैंने इसे कितना गंदा पंच मारा, लेकिन उसने मुझे अपने मुंह में दबा लिया है। ये ले मेगलाडोन, तू मुझसे नहीं बच सकती है, ये लात खा। और गाइज इसी बात में मैं अपनी अंदर की पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता हूँ। अगर आपको मेरे पावर एक्टिवेट करने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे जरूर से भी जरूर बताना। तो मेगलाडोन कहाँ पर? अरे यार ये रही मेगलाडोन। अरे भाई साहब गाइस ये तो बहुत ही गंदे तरीके से मुझ पर वार कर रही है भाई, मुझे एक बार जल्दी से जंप लेनी पड़ेगी। ओ यार मैं तो काफी ज्यादा बच ही गया, लेकिन यार इस मेगलाडोन का क्या हाल हो गया? ओ भाई ले ये ले मेरी पूरी पावर एक्टिवेट। ओ गाइस मुझे लगता है कि यार मैंने भी इसे काफी ज्यादा गंदे तरीके से मारा है। अरे ये मर तो नहीं गई है ना? अरे यार इसका क्या हाल हो गया? लेकिन यार अभी मुझे पीछे शक हो रहा था कि इसकी फ्रेंड भी इसके पीछे पीछे आ रही है। अरे यार सो गाइस देखो वो मेगलाडोन तो मैंने हरा ही दिया। ओ गाइस देखो जैसा मैंने बोला था इसका फ्रेंड भी यहाँ पर हो सकता है। ये ले तू ये ले फिर से ले। ओ भाई गाइस ये क्या हो रहा है यार? रेड हल्क ने काफी ज्यादा सही बोला था कि ये मेगलाडोन मुझे काफी ज्यादा टक्कर देने वाली है, तो ये ले। ओ भाई साहब चलो भाई मैं इस मेगलाडोन को बाहर लेके आता हूँ, इसकी ताकत अगर इसका पानी है तो मेरी ताकत मेरी धरती है। फाइनली हमने दो मेगलाडोन को मार दिया है। और अरे वो रही इसकी फाइनल दोस्त। यार ये तीन मेगलाडोन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। सो गाइज मैं ये करता हूँ कि मैं एक बार बीच के बीचों बीच चला जाता हूँ ताकि मैं पानी में ना रहूं और उस मेगलाडोन को फायदा ना हो। और ये गाइज मैं ना एक काम करता हूँ, अपनी सबसे पावरफुल गन का यूज करता हूँ इसे मारने के लिए। अरे भाई साहब गाइज देखो यार, अरे यार ये गन काफी ज्यादा ओवर पावर है, लेकिन यार मैं ना सभी गन्स को ट्राई करूंगा ताकि जल्दी से जल्दी इस मेगलाडोन से मुझे छुटकारा मिले और फिर मैं रेड हल्क को भी बहुत ही गंदी तरीके से मार पाऊं। तो चलो यार अभी हम इस गन का यूज करते हैं, लेजर गन। अरे गाइस देखो देखो लगता है कि इस गन से उसे कुछ ना कुछ तो हो रहा है भाई साहब। देखो यार
अरे यार देखो, उसे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वो फड़फड़ा रही है भाई। यार अरे वो कहाँ पर गई अभी? लगता है कि वो यार पानी के बिल्कुल नीचे जा रही है। लेकिन यार मैं ना यहाँ पर आ जाता हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा चालाकी दिखा सकती है। कहाँ पर है मैक्लाडोन, तू कहाँ पर है? अरे गाइस देखो ये रही। ओ भाई मेरी लेजर गन काम आई। गाइस आपको मेरी लेजर गन कैसी लगी कमेंट में मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। और देखो मैंने इस मैक्लाडोन का क्या हाल कर दिया। यार ये नीचे से बचने की ट्राई कर रही थी लेकिन मेरी लेजर गन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इस मैक्लाडोन के दांत तो देखो भाई कितने ज्यादा खतरनाक है। और यार आप सभी इस बात को जानते हो कि मैं इसके दांतों से कितनी बुरी तरीके से बचा हूं। सो यार अगर आपको अपनी ये फाइट अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। और अगर आप चाहते हो कि मैं शहर के अंदर जाकर रेड हल्क को ढूंढ कर उसे बहुत ही गंदी तरीके से मारूं तो कमेंट में मुझे जरूर से भी जरूर बताना। और जल्दी ही हम रेड हल्क को भी बहुत ही गंदा मारने वाले हैं। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप रेड हल्क और लिटिल सिंघम की फाइट देखना चाहते हो तो।